बिहार की महागठबंधन टूटने के बाद बिहार की सियासत इन दिनों तेज हो गई है। ऐसे में लगातार एनडीए घटक दल में घमासान सा मचा हुआ है। जीतनराम मांझी कहीं ना कहीं लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, इसको लेकर कई सारे सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जीतनराम मांझी मांग कर रहे हैं उनकी मांगे जायज है। जिस तरीके से निर्दलीय उम्मीदवार है सुमित सिंह उनको मंत्री बनाया गया है, इसको लेकर भी जीतनराम मांझी ने बीते दिनों सवाल खड़ा किया था, जहां पर जीतनराम मांझी ने कहा था कि नीतीश कुमार के द्वारा जो है सुमित सिंह को मंत्री बनाया गया, देखा जाए तो वो निर्दलीय उम्मीदवार है और ऐसे में हमारे पास चार चार विधायक है और हमें एक ही मंत्री पद देना ये बिल्कुल जायज नहीं है। ऐसे में हमें एक और मंत्री चाहिए और इसको देखते हुए हमें हमारे पार्टी के लोगों को कहीं ना कहीं एक मंत्री पद देना होगा और देखा जाए तो मंत्री हमारे एक विधायक को बनाना होगा। एक और मंत्री की मांग जिस तरीके से मांझी ने की, इसको देखते हुए वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी का ताजा बयान आया है। मुकेश सहनी ने यह साफ कह दिया है कि उनको तो मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, वो एक मंत्री पद की मांग कर रहे हैं, वो तो ऐसे ही है, उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, वो पहले भी मुख्यमंत्री बिहार के रह चुके हैं। ऐसे में नीतीश कुमार ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। देखा जाए तो मुकेश सहनी ने एक और कहीं ना कहीं बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जीतनराम मांझी मांग कर रहे हैं उनकी मांगे जायज है, अगर इधर से एनडीए में मुख्यमंत्री उनको नहीं बनाया जाएगा तो कहीं ना कहीं चल जाएंगे महागठबंधन के साथ और उनको वहां पर मुख्यमंत्री बना ही दिया जाएगा। तो लगातार यह सवाल उठने लगा है कि जीतनराम मांझी कहीं ना कहीं खुश है या ना खुश है। ऐसे में लगातार यह कयास लगाया जा रहा है कि जीतनराम मांझी जिस तरीके से मांगे कर रहे उसको देखते हुए ना खुश है और कहीं ना कहीं एक और मंत्री पद जीतनराम मांझी ने अपने पार्टी को देखते हुए मांगा है, तो वहीं नीतीश कुमार का इसको लेकर कोई भी बयान नहीं आया है। बीजेपी के भी लोग कुछ भी इसको लेकर नहीं बोल रहे। ऐसे में जिस तरीके से बीते दिनों महागठबंधन टूटा, इसको देखते हुए लगातार जीतनराम मांझी को कहीं ना कहीं ऑफर दिया जा रहा था, ऑफर पे ऑफर लगातार देने का सिलसिला जारी था। राहुल गांधी से लेकर मल्लिका अर्जुन खड़गे के साथ ही तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने जीतनराम मांझी को कॉल लगाया था और कॉल लगाकर यह साफ कहा था कि मांझी जी आप हमारे साथ आ जाइए, अगर आप हमारे साथ आते हैं तो आपको मुख्यमंत्री हम बना देंगे। लेकिन फिलहाल जीतनराम मांझी को कहीं ना कहीं देखा जाए तो वह सही नहीं लगा और इसको देखते हुए वह एनडीए के साथ आ गए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से 12 तारीख को जो भी होगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन उससे पहले जीतनराम मांझी कहीं ना कहीं नाखुश एनडीए में नजर आ रहे हैं। जीतनराम मांझी ने जिस तरीके से मांग किया है एक और मंत्री पद का, इसको देखते हुए महागठबंधन के लोग लगातार कयास लगा रहे हैं और सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि मांझी जी नाखुश हैं। ऐसे में एनडीए के भी कुछ कुछ नेता मांझी जी की मांगों को देखते हुए कहीं ना कहीं वह साफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी जायज मांग है, उनको उनका मांग मिलना चाहिए। ऐसे में चिराग पासवान का भी बीते दिनों बयान आया था और इसको देखते हुए मुकेश सहनी ने यह साफ कह दिया है कि मंत्री पद तो छोड़िए, उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, पहले भी वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। फिलहाल मांझी कहां जाएंगे बिहार की सियासत में सवाल उठ रहा है। तेजस्वी यादव ने बीते दिनों यह साफ कहा था कि जिस तरीके से खेलना जो है अभी हुआ है और भी खेलना होना बाकी है, तो क्या खेलना होगा ये देखने वाली बात होगी। मांझी किधर जाते हैं लगातार सवाल उठ रहा है, जीतनराम मांझी को क्या मिलेगा महागठबंधन में जाने से, इसकी तमाम अपडेट आपको हम देंगे जो भी अपडेट होगा। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। फिलहाल जीतनराम मांझी ने अपने तमाम विधायकों को दिल्ली भेज दिया है, बिहार में कोई भी विधायक नहीं है। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी अमित है, बहुत बहुत धन्यवाद।